हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शमाइल है, आप लोग देख रहे हैं ऑर्गेटेक न्यूज। स्टार्ट करता हूं आज की वीडियो। आज मैं करूंगा कंप्लीट कंपैरिजन रियलमी 5 का इन्फिनिक्स S4 से, और आपको बताऊंगा इन दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैंने 5 फोन से कंपैरिजन किया है, बिल्ड क्वालिटी, स्क्रीन, कैमरा, परफॉर्मेंस, बैटरी, और जो अदर स्पेसिफिकेशन है मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताता रहूंगा। सबसे पहले बात करूंगा दोनों की बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों के दोनों प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी में आते हैं, चाहे वो रियलमी 5 हो या इन्फिनिक्स S4 हो, लेकिन देखने में दोनों काफी डिफरेंट है। रियलमी 5 में आपको डायमंड किटिंग लुक मिलता है, जो कि ओप्पो का जो है वो रियलमी और ओप्पो में आया था पहले, अब रियलमी में आ रहा है। तो मतलब ओप्पो का ही एक तरह का ये डायमंड कटिंग डिजाइन है वो निकाला हुआ है, देखने में काफी अच्छा लगता है। लेकिन अगर बात करूं इन्फिनिक्स S4 की, तो वहां पर आपको एक गिलास टाइप बैग मिलता है, होता है तो प्लास्टिक ही लेकिन गिलास जैसा दिखता है, और यहाँ पर आपको ग्रेडियंट कलर मिलते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ बिल्ड क्वालिटी की, तो रियलमी 5 क्लियरली विन करता है, क्योंकि जो इन्फिनिक्स की बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा चीप है। अगर आप ले रहे हैं ये फोन, कवर भी लगा के रखेंगे जब भी इसके जो प्लास्टिक है उस पर निशानात आएंगे, तो इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी रियलमी 5 इज अ क्लियरली विनर। अब मैं बात करूँ अगर आपसे दोनों के डिस्प्ले की, तो Realme 5 में आपको 6.5 इंच का एक बहुत ही बड़ा डिस्प्ले मिलता है, 720 पिक्सल की स्क्रीन है, और ऊपर की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच है, तो स्क्रीन बड़ी है और रेजोल्यूशन वही है। तो यहाँ पर आपको जो ब्राइटनेस है वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन ओवरऑल एक बड़ी स्क्रीन का मोबाइल आपके हाथ में होगा, नॉर्मल ब्राइटनेस होगी तो बेरेबल है, क्योंकि इस प्राइसिंग में आपको कोई भी फुल HD दे नहीं रहा, तो स्क्रीन अच्छी है। अब मैं बात करूँ अगर इन्फिनिक्स S4 की, तो वहां पर आपको 6.2 इंचेस का एक छोटा डिस्प्ले मिलता है, 6.5 से जरा सा छोटा है, और यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको 720 पिक्सल की स्क्रीन मिलती है। दोनों में आपको IPS LCD पैनल मिलता है, और दोनों की जो कलर सैचुरेशन है तकरीबन सेम है, आपको जो है ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता, और दोनों की दोनों स्क्रीन अपनी जगह पे अच्छी है। अब मैं बात करूँ और इन्फिनिक्स में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है और वो सब मिलता है, लेकिन जो नीचे की चिन है इन्फिनिक्स S4 की वो थोड़ी बड़ी है, तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब मैं बात करूं अगर दोनों की परफॉर्मेंस की, तो दोनों परफॉर्मेंस में कहीं मतलब दोनों की परफॉर्मेंस को हम मैच नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिक्स S4 में आपको हीलियो P22 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक एंट्री लेवल प्रोसेसर है, एंट्री लेवल से थोड़ा सा ऊपर आपको इसको कहेंगे, और हीलियो P20 का प्रोसेसर जो है आपका कोई भी गेम जैसे पबजी है लो सेटिंग पे सही से चला देगा, लेकिन मीडियम सेटिंग पे आपका पबजी जो है वो लैग करेगा और इतना अच्छा नहीं चलेगा, लेकिन लो सेटिंग पे आपको कोई इशू नहीं आएगा, और एज पर 9 वगैरह आप इसमें इतना खास नहीं खेल सकते इन्फिनिक्स S4 में। तो इन्फिनिक्स S4 गेमिंग वालों के लिए नहीं, अगर आप गेमिंग की तरफ जा रहे हैं तो रियलमी 5 इज द क्लियरली विनर, क्योंकि वहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि 11 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी बना हुआ है, और उसके अंदर जो GPU लगा है वो भी बहुत सॉलिड है, तो ओवरऑल जो है बहुत अच्छा प्रोसेसर लगा हुआ है, और जो एंटूटू बेंचमार्क स्कोर है इसका वो 150,000 तक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी गेम आराम से चल सकता है, आप मीडियम सेटिंग पे पबजी जैसे गेम को आराम से खेल सकते हो, और हाई सेटिंग पे भी आप पबजी खेल सकते हो, अनप्लेएबल नहीं होगा, आराम से खेल सकते हो आप। तो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस गेमिंग रियलमी 5 इज अ क्लियरली विनर। अब मैं बात करूँ अगर दोनों आपसे दोनों की कैमरा सिचुएशन की, तो कैमरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, दोनों के दोनों क्लेम करते हैं कि हम कैमरा सेंट्रिक फोन है हमारे दोनों के। तो अगर बात करूँ इन्फिनिक्स S4 की, तो वहां पर आपको बैक पे 3 कैमरे मिलते हैं, 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मोड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। तो जो 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, मतलब मैंने खुद इसको यूज किया इन्फिनिक्स S4 को, यहाँ पर मुझे जो क्वालिटी मिली थी पिक्चर्स की वो इतनी खास नहीं थी, मतलब पिक्चर्स जो है वो पिक्सल फटे हुए थे, लो लाइट में कैमरा बिल्कुल डल हो जाता है, डे लाइट में पिक्चर अच्छी आती है लेकिन लो लाइट के लिए कैमरा इतना अच्छा नहीं है, तो ओवरऑल जो कैमरे की परफॉर्मेंस है उतनी अच्छी नहीं है, और जो वाइड एंगल मोड है वो भी साइडों से थोड़ा सा क्रॉप मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, मतलब अजीब लगता है देखने में, तो पिक्चर अच्छी नहीं आती वाइड एंगल मोड, डे लाइट में फिर भी कोई ढंग की पिक्चर ले लेता है लेकिन लो लाइट में किसी काम का नहीं है। तो जो टोटल जो 3 कैमरे हैं ये सिर्फ दिखा देंगे, 3 कैमरे इन्फिनिक्स S4 में आपको इतना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन अगर मैं बात करूँ रियलमी 5 की, तो वहाँ पर आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल का वाइड एंगल मोड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप लोन, और 4 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अच्छा, यहाँ पर आपको जो
मेन कैमरे की परफॉर्मेंस मिलती है बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर लो लाइट में पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती हैं। और अगर आप यहाँ पर आपको स्लोमो भी दिया हुआ है, स्लोमो भी आप खेल सकते हैं। और यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल कैमरा है, काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स हैं कैमरे में, और ओवरऑल नाइट स्केप मोड भी है। ओवरऑल आपको बहुत ही कोई ऑसम कैमरा देखने को मिलता है और इसका वाइड एंगल मोड अच्छा काम करता है। तो अब मैं बात करूँ अगर दोनों की कंपैरिजन की, तो मेन कैमरे में तो रियलमी 5 इज़ द क्लियरली विनर, नो कॉम्पिटिशन। लेकिन अगर हम बात करें सेल्फी की, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स जो है वो बाजी ले आता है, क्योंकि इन्फिनिक्स में आपको 32 मेगापिक्सल का एक बहुत ही बड़ा सेंसर मिलता है सेल्फी के लिए, और अदर हैंड रियलमी 5 में आपको 13 मेगापिक्सल का एक नॉर्मल सेल्फी मिलती है। तो अगर आपको सिर्फ सेल्फी लेनी है तो आप इन्फिनिक्स फोन ले सकते हैं। अब मैं बात करूँ दोनों की बैटरी की, तो रियलमी 5 यहाँ पर विन करता है, 5000 एमएएच की बैटरी है और इन्फिनिक्स में 4000 एमएएच की बैटरी। दोनों के दोनों फोन में जो है वो आपको 2 एम्स का चार्ज मिलता है, कोई फास्ट चार्जिंग जैसा मजाक यहाँ पर नहीं किया गया। तो ओवरऑल जो है दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे फोन हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं परफॉर्मेंस की, मेन कैमरा की, बैटरी की, तो रियलमी 5 बहुत आगे है और हद तक के बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। और दोनों में आपको ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड की सपोर्ट मिल जाती है। और आपको जो है अगर हम बात करें इन्फिनिक्स S4 की, तो वहाँ पर आपको जो है पुअर बिल्ड क्वालिटी मिलती है, बेकार इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है। सिर्फ सेल्फी कैमरा, अगर सेल्फी कैमरा ही आपका मकसद है पिक्चर खींचना सेल्फी से, तो इन्फिनिक्स S4 ले सकते हैं, वरना रियलमी 5 इज अ क्लियरली विनर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।